नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में समझेंगे। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या कहलाता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं एंड हम कैसे लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को डिटरमाइन करते हैं। आज की वीडियो में डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स एंड हाउ टू कैलकुलेट लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो टाइप्स ऑफ फ्लो में आते हैं, फ्लूड में। सब्जेक्ट आपका फ्लूड मैकेनिक्स, आल्सो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो लेमिनार फ्लो का मतलब होता है जब हमारे फ्लूड पार्टिकल्स कोई डिफाइंड पाथ में फ्लो हो या स्ट्रेट लाइन फ्लो हो, स्ट्रीम लाइंस मीन सीधे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो फ्लो है, इस फ्लो में आपके जो फ्लूड पार्टिकल्स हैं ये हमारे मूव हो रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रीम लाइंस में, वन डायमेंशनल। तो मीन्स इस प्रकार का जो फ्लो होता है, जैसे कि हमारे कोई थिन पाइप होते हैं, पाइप से जो हमारा वाटर सप्लाई होता है, तो वो हमारा लेमिनार फ्लो होता है। तो मीन्स व्हेन द फ्लूड पार्टिकल्स मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स और स्ट्रीम लाइंस नोन एज लेमिनार फ्लो। मीन्स वेल डिफाइंड पाथ का मतलब है कि इसका पाथ डिफाइन है कि आपको इस डायरेक्शन में फ्लो होना है। कहने का मतलब जैसे कि ये पाइप है, इस पाइप से यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो फ्लूड पार्टिकल्स हैं एक वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो होंगे या स्ट्रीम लाइन में फ्लो होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। इस प्रकार का फ्लो लेमिनार फ्लो कहलाता है। लेमिनार फ्लो में जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, स्ट्रेट और पैरेलल होती हैं। मींस एक तो बिल्कुल सीधी होती हैं, दूसरा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक, इट आकर्स इन स्मॉल डायमीटर पाइप्स। जो लेमिनार फ्लो है ये हमको कहां मिलता है, स्मॉल डायमीटर पाइप में, ऐसे पाइप जिसका व्यास है, डायमीटर है, कम होता है। इन विच फ्लूड फ्लो एट लोअर वेलोसिटी, जिसमें जो हमारा फ्लूड है वो फ्लो होता है लोअर वेलोसिटी से एंड हाई विस्कोसिटी, जिसमें फ्लूड की वेलोसिटी कम होगी और विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ फ्लो आल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो और विस्कस फ्लो। लेमिनार फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन एंड विस्कस फ्लो के नाम से भी जानते हैं। अब जो वैल्यू है हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की, एक तो डेफिनेशन आपकी ये हो गई कि जब कोई फ्लूड वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो होता है या स्ट्रीम लाइंस में फ्लो होता है तो उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। एक वैल्यू हम रेनॉल्ड नंबर से भी डिफाइन करते हैं, जिसमें द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000। यदि रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है, जब हम रेनॉल्ड नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है यदि 2000 से कम आती है तो वो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाता है, और 4000 से ज्यादा आती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो मीन्स जिसमें रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है वीडी अपॉन न्यू, न्यू हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है यहाँ पे, और वी वेलोसिटी एंड डी डायमीटर ऑफ दी पाइप। तो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट इस फार्मूले से करेंगे, तो इसमें यदि इसकी वैल्यू हमारी 4000 से ज्यादा आ रही तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा, और यदि 2000 से कम आ रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। अब एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसे कि ऑयल फ्लो थ्रू ए थिन ट्यूब, जब कोई ऑयल किसी पतली ट्यूब से फ्लो होता है तो वो हमारा लेमिनार फ्लो होता है। थिन ट्यूब ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज, जो हमारा ब्लड है, खून है, यदि ये कैपिलरीज में फ्लो होता है तो कैपिलरीज के थ्रू, तो ये भी हमारा किस टाइप का फ्लो कहलाता है, लेमिनार फ्लो कहलाता है। लेमिनार फ्लो का दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम एक वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक के बाद एक हमारे उस टैंक में बीच में क्या होता है, हमारी लाइन्स कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम मरकरी या कलर्ड फ्लो भरते हैं और इसके बाल्व को धीरे धीरे खोलते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिकल में कि कितने दूर तक सीधा एक धागे की तरह सीधा स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है और कहाँ जाके मिल रहा है, और हम फ्लो घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कितनी लंबाई तक, कितने दूर तक जाके एक स्ट्रीम लाइन में बहता जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो फ्लो है इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। नाउ टर्बुलेंट फ्लो,
अब टर्बुलेंट का मतलब होता है जिग जाग बे, जिग जाग का मतलब है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कि हम नदी के पानी की बात करें तो नदी का पानी कभी भी स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं होता है, वो हमारा टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो किनारे के साइड होता है वो हमारा घूमता है पीछे की ओर। तो इसका जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है ये सभी क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं दोनों ही। तो व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन जिग जाग वे, जब कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स या फ्लूइड जिग जाग वे में मूव करते हुए बहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो स्पीड है फ्लूइड की एट पॉइंट कंटिन्यूसली चेंज, मींस इसकी स्पीड है तो जो स्पीड होती है वो हमारी लगातार चेंज होती है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मींस डायरेक्शंस भी बदल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बदल सकते हैं। तो मींस ये जो फ्लो है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। इट इज आकर इन लार्ज डायमीटर्स पाइप, ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े डायमीटर के व्यास के पाइप होते हैं, जैसे किसी रिवर से किसी टाउन के लिए पानी सप्लाई हो रहा है, जिस पाइप का डायमीटर मालूम पड़ा के बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर से अपन भी फ्लो होके जा सकते हैं, तो वहां पे जो फ्लो होता है पानी वो हमारा किस्म कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, जो टर्बुलेंट फ्लो है इसमें डायमीटर ज्यादा होता है और हाई वेलोसिटी होती है, जो बहाव है वो काफी तेज होगा, हाई वेलोसिटी से होगा। इन टर्बुलेंट फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 4000। यदि कभी भी हम रेनॉल्ड नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है यदि 4000 से ज्यादा आती है तो वो हमारा फ्लो क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, पंपिंग होती है, तो ये आर्टरीज होती है जो ब्लड फ्लो होता है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है इसका। सेकेंड है ऑयल ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइंस, जो पाइपलाइन से यदि हम कोई भी ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और पाइप का जो डायमीटर है बहुत ज्यादा है तो यहाँ भी हमारा क्या अप्लाई होता है, टर्बुलेंट फ्लो। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।